हेलो एवरीवन, इसके पहले मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड दो वीडियो डाला है, जिसमें पहला जो वीडियो था कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, और दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने जो बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मैथड, दूसरा इनडायरेक्ट मैथड। तो जो पहला तरीका डायरेक्ट मेथड है, उसमें जो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट होता है, वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया था। और आज उसी डायरेक्ट मेथड से कुछ एक सवाल में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये जो कैश का फ्लो का कैलकुलेशन करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ये डायरेक्ट मेथड से करना है। दिया हुआ है कैश सेल्स, दिया हुआ 1 लाख, रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ 3 लाख, कमीशन रिसीव दिया हुआ 50,000, पेमेंट टू सप्लायर्स 80,000, कैश परचेजेस 20,000, पेमेंट फॉर सैलरीज 8,000, पेमेंट फॉर रेंट 15,000, और प्रोसीड फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, वो कितना है 15,000, और टैक्सेबल इनकम अज्यूम मान लिया गया कितना 80,000, और टैक्स कितना परसेंट है, तो टैक्स है 30%। ठीक है, टैक्सेबल एज्यूम जो भी इनकम हुआ है उसमें से टैक्सेबल इनकम माना गया 80,000 और उस पर टैक्स लगना है कितना 30%, ये सवाल है। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा मेथड, तो भाई बना रहे हम लोग डायरेक्ट मेथड, यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट हुआ है, जितना भी कैश आया है बिजनेस में वो लिख लेते हैं, और उसके बाद में जितना कैश पेमेंट हुआ है ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, वो एक तरफ जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, जो कैश रिसीप्ट है उससे कैश पेमेंट जितना हुआ है उसे घटा देंगे, तो हमारा कैश फ्लो या कैश यूज्ड निकल आएगा। कैश यूज्ड कब होगा, जब आंसर नेगेटिव में आएगा, मतलब जब कैश रिसीप्ट से कैश पेमेंट ज्यादा हो जाएगा तो कैश यूज्ड हो जाएगा, और जब कैश रिसीप्ट ज्यादा रहेगा कैश पेमेंट कम रहेगा तो फिर कैश फ्लो होगा। ठीक है, मतलब इनफ्लो होगा, और यूज्ड यानी आउटफ्लो हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो पहले ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ भाई, कैश सेल्स हुआ है वो पैसा आया, नगद जो बिक्री हुआ है उससे आया है, कितना आया है 1 लाख, और फिर रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से मिला है पैसा, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स या रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर्स कितना 1 लाख, और कमीशन रिसीप्ट, ये सब पैसा रिसीप्ट हुआ है, प्राप्त हुआ है, कमीशन रिसीप्ट कितना, तो 50,000, और कोई रिसीप्ट नहीं, और कोई कैश रिसीप्ट नहीं, सारा जो भी है वो पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसे जोड़ लेते हैं कितना, 1,3,4 4.5 लाख 4,50,000, ये कैश रिसीप्ट है, और इससे हमें कैश पेमेंट जो हुआ है और लेस करना है ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, इससे लेस कर देंगे। तो ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में क्या किया भाई, सबसे पहले पेमेंट टू सप्लायर्स, अच्छा कैश परचेजेस भी है, पहले कैश परचेजेस ही लिख देते हैं, कैश परचेजेस, नगद खरीदा गया है
तो पैसा गया कितना, दो कितना 20,000, और उसका तो पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर 80,000। उसके बाद में है पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट फॉर सैलरीज कितना 8,000, और पेमेंट फॉर रेंट ये है 15,000 हो गया। बाकी जो प्रोसीड फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, फ्लड रिलीफ सेटलमेंट से कुछ पैसा आया है तो वो भी रिसिप्ट है, लेकिन वो रिसिप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट है, तो उसे तो बाद में दिखाना है, फॉर्मेट में मैंने बताया। तो अगर वो दोनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, तो फिर ये जो सारा सवाल बना रहा हूं इसे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, ये होगा 1,23,000, ये पेमेंट हुआ है, ये कैश रिसिप्ट हुआ है 4,500,000, और कैश पेमेंट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना 1,23,000। अब इसे इससे घटाते हैं तो आएगा हमारा कितना 3,27,000। ये क्या हुआ, ये कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें से अगर टैक्स है तो टैक्स घटाते हैं, तो टैक्स है, टैक्स का रेट है टैक्स एट द रेट ऑफ 30% की तरह से टैक्स लगना, और टैक्सेबल अज्यूम, टैक्सेबल इनकम जो अज्यूम किया गया, माना गया, जो भी इनकम हुआ है उसमें से 80,000 जो है इनकम ऐसा है जिसपे टैक्स लगना है, तो 80,000 का 30% 24,000 होगा, 80,000 का 30% कितना होगा 24,000, तो टैक्स कितना हो गया 24,000 लेस टैक्स पेड, कितना भाई, तो 80,000 का 30% है ना, यहां पे लिख दिया समझने के लिए 24,000, तो हो गया 3,03,000। तो ये क्या हुआ, ये जो 3,03,000 हुआ, ये हुआ कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना 3,03,000, ठीक है ना, इसे थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, 24,000 को घटाया हो गया 3,03,000, ठीक है। तो क्या किया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले निकाला, कैसे निकाला, जो रिसिप्ट हुआ 4,500,000 उसमें से जो पेमेंट हुआ 1,23,000 उसे घटाया तो आ गया 3,27,000, ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,27,000, और फिर उसमें से टैक्स पे, जो टैक्स पे किया गया, टैक्स पे कितना किया गया 30%, और टैक्सेबल इनकम माना गया था 80,000, तो 80,000 का 30% मतलब 24,000 वो टैक्स पेड घटा दिया, तो जो निकल कर आया वो कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के आइडिया लेसन से पहले का कैश फ्लो है। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहां पे है, क्या है, प्रोसीड फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, इनकम हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो इसे जोड़ लेंगे, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एक्सपेंस रहता तो उसे घटा देते, तो इसे तो ऐड करना है, ऐड प्रोसीड फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट कितना भाई, तो 15,000 इसे जोड़ दिया तो आ गया 3,18,000,
ये जो आया हमारा, ये आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये एक सवाल बनाया, ये सीधा सिंपल था, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। एक और सवाल बनाते हैं जिसमें कुछ सारे एडजस्टमेंट होंगे। अब ये देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल्स 220,000 एक नंबर में, फिर दो नंबर में एक्सपेंसेस दिया हुआ, एक्सपेंसेस में क्या सारा है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,20,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 30,000, डेप्रिसिएशन है 20,000 और अदर एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम है 8,000। इस तरह से एक्सपेंस का टोटल है 1,78,000। तो इस तरह से एक नंबर में से दो नंबर, तो एक नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है, उसमें से दो नंबर एक्सपेंस को घटा दिया, मतलब 2,20,000 में 1,78,000 को घटा दिया, तो निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000 और इनकम टैक्स पेड है दिया हुआ 10,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब टैक्स घटा दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 32,000 आ गया। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ये 1 अप्रैल 2021 को ये सारा बैलेंस है और 31 मार्च 2022 को ये सारा बैलेंस है। 1 अप्रैल 2021 को मतलब ओपनिंग बैलेंस, बिगनिंग ऑफ द ईयर जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो क्या क्या डेटर्स है, ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस 8,000, क्लोजिंग बैलेंस 6,000, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस 17,000, क्लोजिंग बैलेंस 15,000, और स्टॉक है 22,000 ओपनिंग बैलेंस जबकि क्लोजिंग बैलेंस 27,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस 2,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,000, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग बैलेंस 5,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,500, और इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम टैक्स का आउटस्टैंडिंग कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 3,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,000। हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना है, और वो जो होगा वो डायरेक्ट मेथड से होगा, है ना। तो भाई सबसे पहले ये फॉर्मेट, हम लोग क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और किस मेथड से बन रहा है ये स्टेटमेंट जो बन रहा है, ये बन रहा है डायरेक्ट मेथड। यहां पे लिख लिया पर्टिकुलर्स और ये दो कॉलम अमाउंट का। ठीक है, तो क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ऑपरेटिंग कैश रिसीप्ट जो कि सेल्स से हुआ है। पिछले सवाल में सेल्स भी था, फिर कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स भी दिया हुआ था और कमीशन भी दिया हुआ था, ये सारा रिसीप्ट हुआ था जबकि इसमें केवल सेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ सब मिलाकर हमें, चूंकि ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और बीआर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो हम पहले कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स या पेमेंट मेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, ये सारा कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया क्या तरीका है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल देते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो वो निकालने के लिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो सेल्स है, सेल्स है ना, क्या करेंगे, सेल्स में ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल रिसीवेबल को जोड़ेंगे। ठीक है, जबकि क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल को घटाएंगे, माइनस क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल घटाएंगे। ठीक है, तो सेल्स मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है, 2,20,000
20,000, इसके साथ ओपनिंग डेटर्स कितना 25,000 25,000 और ओपनिंग बिजनेस रिसीवेबल कितना है वो है 8,000, इसे जोड़ लिया ओपनिंग जो बैलेंस उससे जोड़ा और क्लोजिंग वाले को मुझे हटाएंगे तो क्लोजिंग है कितना भाई 30,000 और 6,000, 30,000 है क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिजनेस रिसीवेबल है 6,000, तो इससे घटाया 16,000 और 25,000 प्लस 8,000 ये दोनों को जोड़ लेंगे और 30,000 और 6,000 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो जो हमारा आएगा दो लाख 17,000 ये निकल गया हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यानी ऑपरेटिंग कैश रिसीव हमारा निकल गया। अब है तो ये यहां पे लिख दिया ऑपरेटिंग कैश रिसीव कितना भाई तो 2,17,000 ठीक है ये निकल गया। अब आते हैं पेमेंट में ऑपरेटिंग कैश पेमेंट जिसे इससे घटाया जाएगा ठीक है, तो इसे यहां पे कर लेते हैं ये एक नंबर है हमारा। अब दो नंबर में ऑपरेटिंग कैश पेमेंट इसमें क्या किया तो भाई सबसे पहले तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए तो उसके लिए हमें परचेज भी चाहिए जिस तरह कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स के लिए हमें सेल्स और बाकी उसमें ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग बीआर को जोड़ा क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बीआर को घटाया, उसी तरह कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड टू क्रेडिटर के लिए हमें परचेज चाहिए और जिसके साथ हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेएबल को जोड़ेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेएबल को घटाएंगे। तो सबसे पहले परचेज निकालना होगा, यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ रहता तो दिया हुआ रहता लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ परचेज निकालना पड़ेगा। तो परचेज के लिए क्या करेंगे, परचेज निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के साथ क्या करेंगे स्टॉक का काम करना है, तो स्टॉक के मामले में मैंने बताया था जब कल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जो सारा कैलकुलेशन करने के लिए, तो बताया था कि बाकी सारा का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस जुड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस घटेगा, जैसे ओपनिंग डेटर्स को जोड़ा ओपनिंग बीआर को जोड़ा जबकि क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बीआर को घटाया, मतलब सारा का ओपनिंग बैलेंस जोड़ा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस घटाया जाएगा, पर दो के मामले में उल्टा करना है, वो दो कौन है तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस है इसका क्या करेंगे ओपनिंग को घटाएंगे ओपनिंग बैलेंस को घटाया जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ा जाएगा, समझ में आया, बाकी सारे के मामले में ओपनिंग बैलेंस को जोड़ा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस को घटाया जाएगा, पर प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक के मामले में ओपनिंग बैलेंस को घटाया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ा जाएगा ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के साथ ओपनिंग स्टॉक को घटाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम जोड़ेंगे तो निकल आएगा परचेजेस ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है भाई 1,20,000, इसके साथ ओपनिंग स्टॉक कितना 22,000 जिससे कि ओपनिंग स्टॉक को घटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक 27,000 इसे जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा 1,25,000 ये निकल गया हमारा परचेजेस ठीक है। अब जब परचेजेस निकल गया इसका हम लोग कैश पेड टू क्रेडिटर्स और कैश पेड टू सप्लायर निकाल ले रहे हैं, तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स ही लिख देते हैं या सप्लायर भी लिख सकते हैं, वो निकालने के लिए क्या करना है भाई तो परचेजेस के साथ जोड़ेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल ठीक
ठीक है, और घटाएंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल बीपी, ठीक है। तो परचेजेस तो निकाला हम लोगों ने 125,000, इसके साथ जोड़ देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल यहां पे तो नहीं है लग रहा है, नहीं है तो फिर नहीं दिखाएंगे, केवल क्रेडिटर्स का दिखाएंगे। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, तो ओपनिंग क्रेडिटर है 17,000, इसे जोड़ लिया। अगर ओपनिंग बिल्स पेबल भी होता तो उसे जोड़ लेते साथ में, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को घटा देंगे, ठीक है। बिल्स पेबल है नहीं तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितना 15,000, तो एक बार 25,000 के साथ ओपनिंग क्रेडिटर 17,000 को जोड़ दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर 15,000 को घटा दिया। बिल्स पेबल यहाँ पे बिल्स पेबल नहीं था इसलिए बिल्स पेबल के काम नहीं किया। तो क्या हुआ, इसे जोड़कर 1,27,000 हो गए। ये निकल गया हमारा कैश पेड टू क्रेडिटर्स और कैश पेड टू सप्लायर्स, ये निकल गया। तो हमें यहां पे दिखा देना है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, वो कितना निकला 1,27,000। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला में क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यानी एम्प्लॉय को जो पे किया गया, वो जो किया गया तो एम्प्लॉय को क्या पे किया गया, इतना 30,000 रुपए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और प्लस यहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग में, हाँ यहाँ पे सैलरी है जो एम्प्लॉय को दिया गया है ना, जिसका बाकी है आउटस्टैंडिंग है सैलरी का। तो क्या करेंगे भाई, वही है ओपनिंग वाला बैलेंस जोड़ेंगे, क्लोजिंग वाला बैलेंस घटाएंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं कैश पेड टू तो नीचे से ले सकते हैं कैश पेड टू एम्प्लॉय, कैश पेड टू एम्प्लॉय, इसमें ये 30,000 तो है ही, इसके साथ ऐड कर देंगे ओपनिंग जो भी बैलेंस है आउटस्टैंडिंग है, एम्प्लॉय को दिया जाने वाला जो है सैलरी उसका, तो 2,000 ओपनिंग है उसे जोड़ लिया और 3,000 क्लोजिंग है इसे घटा दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 29,000 कैश पेड टू एम्प्लॉय, हो गया 29,000 कैश पेड टू एम्प्लॉय 29,000। इसके बाद में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएंगे, मैंने बताया है कि जब डायरेक्ट मेथड से कैश का फ्लो का कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उस समय नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, उसको उसे इग्नोर किया जाता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कैश का फ्लो नहीं हो रहा है तो इसे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अदर एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, तो उसे यहां पे कर देते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है 8,000, इसके साथ में इसका जो एडजस्टमेंट दिया हुआ क्या दिया हुआ है, वो प्रीपेड दिया हुआ है ना, तो प्रीपेड और स्टॉक के मामले में मैंने बताया था कि बाकी सारा का अगर एडजस्टमेंट है बैलेंस का तो क्या करेंगे, ओपनिंग वाला बैलेंस जो है उसे जोड़ेंगे और क्लोजिंग वाले बैलेंस को घटाएंगे, पर प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड के केस में और स्टॉक के केस में उल्टा करेंगे, क्लोजिंग वाला जोड़ेंगे और ओपनिंग वाला घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है ना, तो कितना दिया हुआ है 5,000 ओपनिंग है तो ओपनिंग को तो भाई घटा दिया जाएगा और क्लोजिंग को क्या किया जाएगा तो जोड़ दिया जाएगा, क्लोजिंग कितना है 5,500, इस तरह से कितना निकल करके आएगा तो 8,500 हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो हो गया ये इंश्योरेंस
प्रीमियम कितना 8500 ये हो गया। अब इसे टोटल करते हैं तो कितना होता है, इसे टोटल करने पर आएगा 1,64,500। तो ये हो गया ऑपरेटिंग कैश पेमेंट और ये ऑपरेटिंग कैश रिसीट। अब जो निकलेगा वो निकलेगा कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स। ये कितना हो जाएगा भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इसे यहां पे खुला ही छोड़ते हैं, क्या है 1-2 मतलब रेवेन्यू ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में ऑपरेटिंग कैश पेमेंट 164,500 जब घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स कितना 52,500। ठीक है, ये आ गया बिफोर टैक्स कैश का कैश कितना जनरेट हुआ 52,500। और अब इसमें से हम इनकम टैक्स पेड को लेस करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड, तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट है ना, हाँ यहां पे इनकम टैक्स ऑप्शन है, तो इनकम टैक्स का भी निकाल लेते हैं, इनकम टैक्स पेड ये कितना हुआ, तो इनकम टैक्स पेड का यहां पे दिया हुआ 10,000 और इसका आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग तो बिगनिंग वाला ऐड करेंगे 3,000 और एंड वाला लेस करेंगे 2,000, तो निकल कर आएगा 11,000 इनकम टैक्स पेड। ठीक है, तो यहां पे इनकम टैक्स पेड को घटाते हैं, लेस इनकम टैक्स पेड कितना 11,000, तो ये जो आया इसे घटाएंगे तो जो आएगा हमारा कितना आएगा 41,500। ये जो निकला हमारा, यही निकला नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में दो सवाल बनाकर देखा, इसमें हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया, एक सिंपल था और एक में विथ एडजस्टमेंट एक सवाल दूसरा सवाल था ये वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।